My name is Gino Cha. I'm your English teacher. Welcome to Saucy Academy's online classes. In last couple of videos, we have seen the lesson number 3 of the Standard 8 English. And in that, we have seen a story that was after 20 years, written by O. Henry, which is a pen name for William Sidney Potter. Right now, it's time to do the exercise that is given in your textbook. We will first do the activity number 4, which is making negative by adding the prefix to it. Prefix yani pre yani hamesha aage. Shabd ke koi word aapko diya hai to uske aage koi word laga ke aap uska negative word bana sakte hain. For example, ki yahan maine confident yani liar to humne aage sab in add kiya aur wo ban gaya incompetent, uska negative बन गया वो word. तो इस तरह से हमें बहुत सारे words के negative words बनाने हैं. Of course मैंने यहाँ पे answers लिख दिए हैं, मैं एक बार आपके लिए read भी करूँगी. लेकिन ये करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे जो दिए हैं वो आप अपने आप negative उनको बनाने की कोशिश कीजिए. फिर देखिए कि आपके कितने right हो रहे हैं और कितने wrong हो. First हमने देखा था competent, incompetent. Second है pleasant, unpleasant, mature, immature, dignified, undignified, reverent, irreverent, literate, illiterate, logical, illogical, partial, impartial, balance, imbalance, materialistic, immaterialistic, definite, indefinite, comfortable, uncomfortable. तो इस तरह से हमने बहुत सारे negative words बनाए हैं prefix लगाकर. तो ये आप लोग एक दो बार उन्हें लिख लीजिए और उन्हें थोड़ा रिमेम्बराइज भी कर लीजिए, क्योंकि इनकी काफ़ी बार आपको लाइफ में ज़रूरत पड़ती है. अब हम देखेंगे एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, बहुत ही सारे नए वर्ड्स हैं आपके लिए समझने के लिए, जानने के लिए, और लाइफ में बहुत बार इनका इस्तेमाल भी होता है. तो आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा. एक्टिविटी 6 में आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ. कॉलम ए में कुछ वर्ड दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल डेंटिस्ट. क्या करता है डेंटिस्ट, किसे कहते हैं डेंटिस्ट? ऑफकोर्स जो दांतों का डॉक्टर होता है तो उसे डेंटिस्ट कहते हैं. तो पार्ट बी में उसकी जॉब लिखी हुई है वहां पर. फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, क्या ड्राइवर कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? द पर्सन हु ड्राइव अ व्हीकल इज कॉल्ड ड्राइवर. तो आप उसको मैच करोगे. तो इसी तरह की एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी है जिसको आपको मैच करना है. तो देखिए पहले कॉलम ए में क्या क्या दिया है. कॉलम ए में हमें दिया है बिब्लियोफाइल, कैटोग्राफर, फाइनेंसर, फोर्थ नंबर पे है हाई कमिश्नर, फिफ्थ पे है ऑर्निथोलॉजिस्ट, सिक्स पे है डिटेक्टिव, सेवन्थ में है न्यूमिमेटिस्ट, एट्थ पे है फिलैंथलिस्ट, और नाइन्थ पे है पैलोंटोलॉजिस्ट. तो ये हमने इनके प्रोनंसिएशन देख लिए. अब इनके मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे जो नीचे आपको कॉलम बी में दिए. फर्स्ट जो है बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का मतलब होता है कि एक इंसान जिसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बुक्स को कलेक्ट करने का बहुत शौक है, पुरानी पुरानी बुक्स कलेक्ट करके रखता है, बहुत सारी किताबें होती है उसके घर, तो उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं. तो फर्स्ट नंबर पे जाएगा हमारा आंसर नंबर 6, दैट इज वन हु लाइक्स बुक्स, इंजॉयस रीडिंग एंड कलेक्टिंग देम. क्लियर? ओके. सेकेंड नंबर देखें कैटोग्राफर. कैटोग्राफर एक ऐसा इंसान होता है जो मैप्स बनाता है, मैप्स को अच्छे से समझता है. तो मैप्स से मैप जो मैप होते हैं उससे जुड़ा हुआ कोई भी काम काज हो तो वो कार्टोग्राफर करता है. तो कार्टोग्राफर में देखिए कि मैप से जुड़ा हुआ कहाँ लिखा हुआ है,
नाइन नंबर में लिखा हुआ है ही डज द वर्क ऑफ मेकिंग मैप, वो मैप को बनाने का काम करता है। थर्ड है फाइनेंसर, ऑफ कोर्स जो पैसे उधार देता है या पैसों का कोई हिसाब किताब रखता है। तो देखिए पैसे मनी कहाँ लिखा हुआ है, यस इट्स इन द पॉइंट नंबर वन। ही मैनेजेस और लेंड लार्ज सम ऑफ मनी, या तो वो मैनेज करता है पैसों को या तो फिर वो लेंड करना यानी उधार देता है, तो उसे फाइनेंसर कहते हैं। फोर्थ है हाई कमिश्नर, ऑफ कोर्स लीगल डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी लीगल काम करने वाला, तो लीगल काम करने वाला है यहाँ पे, यस यहाँ पे थोड़ा सा अलग, हाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है, लीगल काम यानी गवर्नमेंट का काम। तो सेवन नंबर पे देखिए ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ अ कॉमनवेल्थ कंट्री इन अ कॉमनवेल्थ अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री, यानी हमारी कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो दूसरी कंट्री को जाकर बताता है, हाई कमिश्नर कहते हैं उसे। फिफ्थ है ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट उसे कहते हैं जो बर्ड्स की स्टडी में इन्वॉल्व हो, यानी कि वो बर्ड्स की अलग अलग स्पीसीज की स्टडी करता है, अलग अलग बर्ड्स को समझता है, उनकी हैबिट्स को समझता है, तो ये सब जो बर्ड्स की स्टडी होती है उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो फिफ्थ नंबर पे देखिए कहाँ मैच होता है, यस वो मैच होता है सेकंड नंबर पे, समवन हु स्टडीज बर्ड। सिक्स नंबर पे है डिटेक्टिव, ये तो सबको आना चाहिए, मैं नहीं बताऊंगी कौन होते हैं डिटेक्टिव, जासूस, यस कहाँ है जासूस, देखो ढूंढो, यस अ पुलिस ऑफिसर हु फाइंड्स आउट इंफॉर्मेशन टू कैच अ क्रिमिनल, फोर्थ पॉइंट पे लिखा हुआ है, राइट तो वो तो आएगा आपको। सेवेंथ है न्यूमिसमेंटिस, यानी जो कॉइन से जुड़ा हुआ हो, जो नंबर्स से जुड़ा हुआ हो, तो न्यूमिसमेंटिस जो वहां पे मैच हो रहा है कॉइन से, तो पॉइंट नंबर एट में देखिए हिज वर्क इज टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेडल, ठीक है वो वहां पे मैच हो गया। एक है फिलैंथलिस्ट, फिलैंथलिस्ट यानी जो स्टैम्प को कलेक्ट करता है, वो जो हम पोस्ट कार्ड के ऊपर लगाते हैं ना, तो स्टैम्प कलेक्शन बहुत बड़ी हॉबी है दुनिया में, बहुत लोग करते हैं इसको कैरी, बहुत अच्छा सा एक आल्बम बनाते हैं, अलग अलग स्टैम्प चिपकाए होते हैं, नीचे लिखा होता है कि ये साल का स्टैम्प है, इस कंट्री का स्टैम्प है, तो बहुत लोगों की ये हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना, उसे फिलैंथलिस्ट कहते हैं। नाइन्थ नंबर पे है पैलेंटोलॉजिस्ट, पैलेंटोलॉजिस्ट यानी जो फॉसिल की स्टडी करता हो, फॉसिल यानी जो जमीन खोदते वक्त आपको पुरानी चीज़ें मिल जाती है, उनकी जो स्टडी करता है उसे फिलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग देखा, आगे भी एक्टिविटी करनी है तो सबसे पहले तो आप ये जो मैंने आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं उन्हें नोटबुक में कॉपी कर लीजिए, मैं आपको चार पाँच मिनट देती हूँ, फिर हम आगे एक्टिविटी कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमने नेगेटिव नेगेटिव लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने आपका जो मैच द फॉलोइंग है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फर्स्ट नंबर पे जो बिबलियोग्राफी है वो कॉलम नंबर बी में आपको सिक्स नंबर पे मिलेगा, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप इनको ज़रा कॉपी कर लीजिए अपने नोटबुक में, अच्छे से लिख लीजिए। आई गिव यू सम टाइम्स बिफोर वी कंटिन्यू। आई होप कि आप लोगों ने एक्टिविटीज अच्छे से लिख ली है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पहले लिख रहे हैं एक्टिविटी 9 जो कि एमसीक्यू से जो चैप्टर पे आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन आई विल रीड इट, द स्ट्रीट्स वर डी पीपल्ड बिकॉज स्ट्रीट पर बहुत कम लोग थे, मैंने बार बार वीडियो में बनाते हुए भी ये बोला है क्यों बहुत कम लोग थे, यस द विंड इट वॉज विंडी एंड रेनी, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट वॉज विंडी एंड रेनी। सेकेंड पॉइंट है जिमी एंड बॉब डिसाइडेड टू मीट आफ्टर 20 ईयर्स बिकॉज, जिमी और बॉब ने डिसाइड किया कि हम 20 साल के बाद मिलेंगे, क्यों?
डिफरेंस रखा, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, क्यों? तो उन्होंने बोला था कि 20 साल में हम अपनी किस्मत बना लेंगे, 20 साल में हमें जो चाहिए हम अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो ये वर्ड उन्होंने कहे थे। तो कहाँ लिखा हुआ है ये? दे वुड हैव मेड देयर डेस्टिनी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। जिमी सेंट अ प्लेन क्लोथ्स पुलिसमैन टू अरेस्ट बॉब, बिकॉज जिमी ने एक सीधे साधे इंसान को अरेस्ट करने के लिए भेजा, उसने खुद उसको अरेस्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि जिमी वेल्स कैसा था? कैसा था जिमी वेल्स? ही वॉज अफ्रेड। क्या उसे डर लग रहा था? ही वॉज एरोगेंट। वो बहुत इगोइस्टिक था। ही वॉज सेंसिटिव। वो बहुत दिल का अच्छा था, सेंसिटिव था। तो कैसा था वो? वो सेंसिटिव था। वो खुद ये काम नहीं कर पाया क्योंकि जानता था कि वो उसका दोस्त है, तो वो उसको कैसे अरेस्ट करे। तो इसीलिए उसने दूसरे किसी आदमी को भेजा जो प्लेन क्लोथ्स में था। तो यहाँ पे एक्टिविटी 9 खत्म हुई। एक्टिविटी 9 में जो एमसीक्यूज दिए हैं उनके आंसर्स मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हैं, तो आप उन्हें देख लीजिए। आगे करें एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में आपको यहाँ पे बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाम को पहचानना है। एब्स्ट्रैक्ट नाम यानी फीलिंग्स, जो फीलिंग्स से जुड़े हुए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्लीज सिट डाउन, तो ये एक रिक्वेस्ट वाली फीलिंग है, आपको समझ में आ जाती है कि मैम हमें रिक्वेस्ट कर रही है बैठने के लिए। एंड इफ आई से सिट डाउन, देन इट यू नो दैट दिस इज अ ऑर्डर, मैम ने ऑर्डर दिया है हमें बैठने के लिए। तो ये मैं कहीं आपको बोल नहीं रही हूँ कि ये मेरा ऑर्डर है या ये मेरी रिक्वेस्ट है, पर मेरे टोन से, मेरे शब्दों के अंदाज से आपको पता लग जाता है कि ये किस तरह की फीलिंग है इसमें। तो इसी तरह के फीलिंग वाले जो सेंटेंसेस यहाँ पे आपको दिए हैं उसका एक पर्टिकुलर वर्ड होता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है। तो इस तरह की जो डॉक्टर जो हमें देता है एडवाइस होती है, तो इस तरह के जो वर्ड है वो हमें पहचानने हैं। तो वर्ड आपको ऊपर दिए हैं, वर्ड देखिए कौन कौन से हैं। एंथुजियाज्म यानी एनर्जी से भरा हुआ है, एंथुजियाज्म, राइट। फिर सेकंड है कॉन्फिडेंटली यानी भरोसा, बहुत ही कॉन्फिडेंस। बोस्टेड यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना। स्नैप दी यानी झटके से हाथ छुड़ा लेना। सरकास्टिकली यानी टॉन्ट में बोलना, ऐसे तू तो बहुत जल्दी जैसे सीधा है, तो ये सरकास्म हुआ। तो बिड करना यानी विश करना, किसी को भी अलविदा कहना, जनरली फॉबिड यानी बिड में इस्तेमाल होता है अलविदा कहने के लिए। तो देखिए फर्स्ट वाली एक्टिविटी आपको करके दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट में देखिए, यू आर नॉट जिमी वेल्स, बॉब से, तो मतलब बॉब ने क्या करा था उस समय, हाथ झटक लिया था ना, तो क्या आएगा? स्नैप्ड। तो देखो वही सेंटेंस उन्होंने दोबारा लिखा है, बॉब स्नैप्ड दैट ही वॉज नॉट जिमी वेल्स। बॉब ने कहा कि वो जिमी वेल्स नहीं था। गुड नाइट सर, सेड द पुलिसमैन। पुलिसमैन ने कहा गुड नाइट। तो ये क्या हुआ? किसी को गुड नाइट कहना, विश करना। मैंने कहा था कि जब भी हम अलग बिछड़ते हैं तो किसी को गुड नाइट विश करते हैं, मतलब अलविदा कहते हैं, तो वो है बिड। बिड करना, तो सेकेंड का आंसर आएगा बिड। थर्ड है, इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क फॉर। बोले मुझे जो चाहिए ना मुझे वो सब मिल गया है। तो ये क्या हुआ? बढ़ा चढ़ा कर बोलना अपनी बात। तो थर्ड पे आएगा बोस्टेड। थर्ड का मतलब है बोस्टेड, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलना। फोर्थ है, जिमी इज अलाइव ऑन अर्थ, ही विल बी हियर बाय दैट टाइम। अगर जिमी जिंदा है तो वो यहाँ ज़रूर आएगा। क्या झलक रहा है इन बातों से? कॉन्फिडेंस झलक रहा है कि वो बहुत काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो यहाँ ज़रूर आएगा। तो फोर्थ पे आएगा कॉन्फिडेंटली। फिफ्थ पे आएगा डिड प्रीटी वेल आउट इन वेस्ट, डिडंट यू। बोले तुमने तो बहुत अच्छा कमा लिया है वेस्ट में जाके, है ना? तो ये क्या हुआ? ऑफकोर्स टॉन्ट मारा है, क्योंकि उसे तो पता चल गया था कि ये तो चोर है, लेकिन फिर भी उसने बोला कि तुमने तो वेस्ट में जाके बहुत अच्छा कमा लिया। तो ये क्या हुआ? टॉन्ट मारना हुआ, सरकाइज्म हुआ। तो ये सरकास्टिकली आएगा आंसर। एंड द लास्ट वन, आई केम 1000 miles टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट। बोले मैं इतने मील दूर चल कर आया हूँ अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। तो ये क्या दिखा रहा है? एक्साइटमेंट दिखा रहा है, एंथुजियाज्म दिखा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में आएगा एंथुजियाज्म, क्लियर? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट टाइम हम जब भी वीडियो में मिलेंगे
सारी इंस्ट्रक्शन को मानिए, फॉलो करिए, ताकि आप ऐसे समय में सेफ और हेल्दी रह पाए। थैंक यू।